गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कांता भाई, गुड इवनिंग मैथ्यू जी। ऑडियो का बता दीजिएगा। गुड इवनिंग अमीना जी, ऑडियो का बता दीजिएगा। ऑडियो क्लियर है? चलिए, बराबर ही सुनाई देना चाहिए। तो ये हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम है पवन कंबोज और मैं एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, उसके साथ साथ हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूं। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर दिया है नीचे स्क्रीन में, 9911675330। मल्टीपल एग्जाम्स का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसीलिए आप लोगों के लिए बेटर क्लासेस फ्रेम कर पाता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है जी, अगर नॉर्थ ईस्ट पीएससी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और क्वेरी है तो ये नंबर है 8076535685, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मेरा नंबर ये है 9911675330, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक पर्सनैलिटी आप लोगों के लिए, आप में से कोई बता पाएगा? आपको इन पर्सनैलिटी को गेस करना है, काफी रिप्यूटेड पर्सनैलिटी है, ये कौन है? आप लोगों ने देखा होगा कई सवाल आते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, सबसे मैंने डिसाइड किया कि हर एक क्लास के पहले एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को डिटेल दूंगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? नहीं पता तो भी आप बता सकते हैं और बाकी बेसिक आइडिया हो तो भी आप बता सकते हैं कौन है ये पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कोई आइडिया? नहीं आइडिया तो भी बता दीजिए। ओके, अमीना जी कह रहे हैं नहीं पता। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पॉइंट बीइंग ये है, आप ध्यान से समझिएगा, आप सब लोग अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम अरुणाचल जीके की बात करते हैं तो अरुणाचल जीके पे अगर मैं एनालिसिस करूं, 2 मिनट का टाइम लूंगा और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है जी, अभी बताता हूं क्या है। एक पोर्शन होता है जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक में स्टेट कब बना या बाकी सारी चीजें जो बहुत चेंज नहीं होती, स्टैटिक है, फिक्स है। दूसरा होता है डायनामिक। तीसरे जो सवाल आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी और टोपोग्राफी पे, कि कौन सी जगह पे कौन सी नेशनल पार्क लोकेटेड है, कौन सा सेंटर लोकेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है यामिन जी ने, बात करते हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सो तीन टाइप के आपके सवाल है, स्टैटिक की तो आपकी तैयारी होती ही रहती है, ये डायनामिक और ये ज्योग्राफी वाले, टोपोग्राफी वालों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। डायनामिक में या तो पर्सनैलिटी रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे या करंट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा हो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। इतना आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि पेपर में एग्जामिनर सवाल किस तरीके से पूछता है। सो ये अगर आप लोगों को क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके से आप लोगों ने कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हमेशा ये माइंड में रख के चलिएगा कि ये सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी फैक्ट्स है ना, इनको क्लियर कर लीजिए और स्टैटिक जो है इसको क्लियर कर लीजिए।
डायनामिक तो हर दिन कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, तो इस डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा। अभी बात करते हैं इन पर्सनैलिटी के ऊपर। तो यह सर्जेंट कैप्टन मारिक परतिन, क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट कि इन्होंने एक इंडियन नेवल हॉस्पिटल है, नेवी के हॉस्पिटल होते जहाज भी, तो इंडियन नेवल हॉस्पिटल है जिसका नाम है INS शिप कस्तूरी। तो कस्तूरी नाम का ये जो INS का शिप है, ये एक हॉस्पिटल शिप है, उसका इन्होंने चार्ज एज्यूम किया है, उसके ये हेड हैं, चार्ज एज्यूम किया है। खास बात क्या है कि ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो कभी सवाल पूछा जाएगा कि पहले ऐसे डॉक्टर जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया, तो सर्जन कैप्टन मारिक परतिन। क्लियर है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट इंडियन नेवी कैप्टन भी हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कमांड एन इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है नेवी में ना अलग अलग शिप पे तैनात रहते ऑफिसर्स, कुछ नेवल शिप अटैक वाले होते हैं, ये हॉस्पिटल शिप है जिसका नाम है INS कस्तूरी, और ये पहले इंडियन नेवी कैप्टन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने एक इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप को कमांड किया, और उसके अलावा ये पहले डॉक्टर भी अरुणाचल प्रदेश में से जिसने इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, यस और नो बताए। तो ये दोनों तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि डॉक्टर जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन किया ये भी फर्स्ट है, और उसके अलावा फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप को कमांड किया है, नाम याद रखिएगा। सो अगली लेक्चर, हर एक लेक्चर में जब भी हम डिस्कस करेंगे, मैं एक एक दो दो पर्सनैलिटी आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी क्लियर होती रहे। अब हम बात करते हैं बाकी बेसिक सारी चीजों पे। सो सबसे पहले बात करते हैं एक अवार्ड की, लिटरेरी अवार्ड की, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, लुमर दाई लिटरेरी अवार्ड। कितने लोग इस अवार्ड के बारे में जानते हैं? सो आज जो हम कवर कर रहे हैं ये अरुणाचल स्पेसिफिक है, और पिछले मंथ का ही है, एंड मोस्टली फ्रॉम 20th मई के बाद का है, 20th मई से 31st of May तक का है मोस्टली। आप में से कितने लोगों ने इस फेस्टिवल, इस लिटरेरी अवार्ड का नाम सुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड है, और ये दिया गया है एक इंडिविजुअल को, तो आपको ये पता होना चाहिए किनको दिया गया है, जुम्सी सीरम को। अब ये इनको क्यों दिया गया ये आपको पता होना चाहिए, इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि, अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं जुम्सी जी, ये आपको पता होना चाहिए, ये हिंदी में लिखते हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड लिटरेरी अवार्ड है, इसमें 10,000 रुपये कैश मिलता है, एक पैक ऑफ बुक मिलता है, एक मोमेंटो मिलता है, और एक साइटेशन यानी एक कोई डॉक्यूमेंट मिलता है। सो इनके द्वारा कोई कुछ किताबों का नाम है जैसे शीला का रहस्य। तो ये अरुणाचल के फर्स्ट हिंदी ऑथर जिनको ये अवार्ड मिला, ये याद रखिएगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए अंडरलाइन करने वाली बात है वो ये है कि ये फर्स्ट हिंदी ऑथर है जिनको ये अवार्ड मिला है। किताबों के नाम, मेरी आवाज सुनो, गालो लोक जीवन इबोम संस्कृति, शीला का रहस्य, स्वतंत्र सेनानी मतमुर जैमो, ये आप सब जानते हो एंग्लो अबोर वॉर से एसोसिएटेड हमारे बहुत ही ज्यादा खास फ्रीडम फाइटर, तो उनके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। तो ये कुछ किताबें जो इन्होंने लिखी है, इसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट लोग जिनको ये अवार्ड मिल चुका है,
उनमें आते हैं कालिंग बुरांग जी, ममंग दाई जी, अगर नाम प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो रहा हो तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। ये नाम ममंग दाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, बहुत सारे और भी अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री जो कि सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। उसके अलावा डॉक्टर जोगेंद्र नाथ है, तगन ताकी जी है, चंद्रकांता बोरपात्रा गोहेन है, रविंद्रनाथ कोहली है, युमलुम ताना है और अजंता जी, ये सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड पहले मिल चुका है, लेकिन इस बार मिला है फर्स्ट हिंदी ऑथर जुमसी सिरम जी को। लुमर दाई जी को साहित्य सुरजिया भी बोला जाता है, और ये कब दिया गया है, ये 1 जून को मिला है अवार्ड, अनाउंस पहले हो गया था। ये क्लियर है, यस और नो बताएं, ये क्लियर है? तो आपको क्या क्या याद रखना होता है, नाम याद रखना होता है, अवार्ड का नाम याद रखना होता है, कब दिया जाता है, 1 जून को दिया जाता है। क्या क्या मिलेगा, एक मोमेंटो, एक साइटेशन यानी एक कोई डॉक्यूमेंट होगा, कुछ किताबों का पैक और 10,000 रुपये कैश, और बाकी मैंने इनकी बुक्स के नाम भी आपको बता दिए। अब ये कौन है लुमर दाई जी जिनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो लुमर दाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए 1 जून 1940 को इनका बर्थ हुआ था, इसीलिए इस डेट को कमेमोरेट करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। 5 अप्रैल 2002 को ये हमको छोड़ के चले गए थे। ये लिटरेचर नोवलिस्ट और जर्नलिज्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे, इनका बर्थ की अगर बात करें तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में बर्थ हुआ था, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और शुरुआत की जनरेशन में कुछ पढ़े लिखे लोगों में से पहले इंपॉर्टेंट लोग में से आते। तो 1st जनरेशन के जो एजुकेटेड पर्सन थे स्टेट के, जिन्होंने कोई भी लिटरेरी अवार्ड मिला हो, उनमें से लुमर दाई जी आते। तो लुमर दाई जी के काम को देखते हुए असम की गवर्नमेंट ने इनको पोस्थमसली भी अवार्ड किया है। अवार्ड कैसे किया गया कि इनकी जितनी भी राइटिंग्स थी उनको एक बुक के फ्रेम में, एक सीरीज के फ्रेम में वहां की सरकार छपवा रही है, जिसका नाम है लुमरदाई रचनावली। अब ये जिंदा नहीं है तो इसीलिए इनको कोई और एडिट कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है लिटरेचर में, या जो आप कह रहे हैं लिटरेचर की स्पेलिंग, नहीं वो लिटरेचर की स्पेलिंग है ही नहीं एक्चुअली में, जो आप करेक्ट करना चाह रहे हैं ये लिटरेत्योर है, यानी जो लिटरेचर से एसोसिएटेड लोग होते हैं उनको कहते हैं जो लिखने का काम करते हैं। तो ये लुमरदाई रचनावली, इनके लिए एक किताब लिखवाई जा रही है। इसको कौन लिखवा रहा है, असम गवर्नमेंट लिखवा रही है, और इसको एडिट कर रहे हैं जयंत माधव बोरा जी। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप समझिए जिस टाइम लुमरदाई जी ने लिटरेरी अवार्ड या सॉरी लिटरेचर वगैरह लिखी होगी तो अलग अलग लिखा होगा, कोई प्रॉपर कलेक्शन तो बन नहीं पाया होगा, इसलिए असम गवर्नमेंट सारी बुक्स को कलेक्ट करके एक सीरीज बना रही है जिसका नाम है लुमरदाई रचनावली, और जिसके एडिटर हैं जयंत माधव बोरा जी। और इनके काम कौन कौन से, लुमरदाई जी के, पहाड़ हिले हिले, पृथ्वी हीर हानि, उदया चलार हाड़ू, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके काम है। ठीक है जी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हो सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप लोगों को क्लियर है इतना, यस और नो बता, इतना क्लियर है, यस और नो बताएं। सो यहां से कितने सवाल, पॉसिबल सवाल बन सकते हैं, आप खुद सोचिए। नितिन जी आप शायद बुक्स के नाम बता रहे हैं, और बहुत सारी बुक्स के नाम हो सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो मैंने ढूंढ के लिखे हैं, बाकी आप नाम मेरे को बता दीजिएगा, मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक प्रोजेक्ट है डीजी कक्षा, जिसको लॉन्च किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा सके।
गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जो लूमरदाई लिटरेरी अवार्ड है ना, बाकी और किसी को कोई डाउट है? जो अरुणाचल प्रदेश की लिटरेरी सोसाइटी है वो देती है, ठीक है? क्या नाम है उसका? अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। जो आपने सवाल पूछा एकदम जायज सवाल है, ये पॉइंट स्किप हो गया था, थैंक यू ये पूछने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने 2016 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया, 2016 से ये अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैम जी थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। सुरांग जी इसका पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, 10,000 बहुत कम है, लेकिन अभी हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो ये जो पीडीएफ है, जितनी भी न्यूज़ हैं फ्रॉम 1 मई से लेके 31 मई अरुणाचल प्रदेश, ये कंटेंट एकदम रेडी है, ये मैंने दे दिया है। और इसमें एक दो एडिटिंग बची हैं, वो आपको मिल जाएगा और ये ग्रुप में शेयर हो जाएगा और ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, ये मैंने दे दिया है। टेक्निकल टीम वाले कुछ लोग छुट्टी पे चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अदरवाइज ये पीडीएफ हम आपको देंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको किसी म्यूजियम में तो देंगे नहीं, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया, तो आपको मिलेगा इसको। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो डीजी कक्षा नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये डीजी कक्षा जो लॉन्च किया है ताकि स्टूडेंट को एम्पावर किया जा सके। और डीजी कक्षा का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली मतलब है कि एक 4K HD एंड्रॉयड टीवी लगाया जाएगा, जिसमें बच्चे सारी चीजें देख सके और देख के सीख सके। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं फोन वगैरह, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा ही इस्तेमाल किया जाएगा 4K HD TV में। और ये एंड्रॉयड टीवी है, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रिएटिव कंटेंट है जो बच्चों के लिए है। नर्सरी से लेकर 12th तक का सारा कंटेंट डिजिटल फॉर्म में बच्चों को मिलेगा। ये स्पेशली डिजाइन किया गया उन बच्चों के लिए जिनकी लर्निंग थोड़ी स्लो होती है, जैसे मेरे जैसे बच्चे जो थोड़ा कम जल्दी पढ़ पाते हैं। और अब लेकिन अब मैं पास आउट कर चुका हूं, तो जो बच्चे नॉर्मली जिनकी पढ़ने की थोड़ी स्पीड स्लो होती है, सीखने की स्पीड स्लो होती है, उस सारी चीजों के लिए ये किया गया है। तो एनटीसी दियोमली में ये अपर प्राइमरी स्कूल में इनॉग्रेट किया गया था, और ये डीजी कक्षा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। बेसिकली डीजी कक्षा क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको एनिमेटेड फॉर्म में सारी चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब डिजिटल स्क्रीन पे मिलेगा। जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, छोटी स्क्रीन है आपके पास फोन की, वहां बड़ी 4K HD में बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। क्लियर है? जी हाँ, IAS विशाखा यादव इनके साथ एसोसिएटेड है। पर्सनैलिटी का नाम ऐसे नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। IAS विशाखा यादव का इनिशिएटिव है। अब ये किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बाला को फॉलो कर रहे हैं। बाला यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो इसमें एक्टिव लर्न डिजिटल क्लास एक तरीके से समझ लीजिए। यस, तो उसका नाम दिया है डीजी कक्षा। कक्षा मतलब क्लास ही होता है, बेसिक सी चीज है, तो उसी को बोला है। तो अब तीसरी चीज पे चलते हैं। तो अब यहां से सवाल ये पूछ लिया जाएगा ना, कहाँ पे इशू किया गया, कहाँ पे लगाया गया, स्कीम का नाम क्या है। अब स्कीम के नाम पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे डीजी कक्षा, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा डीजी क्लास, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा डीजी स्कूल, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा डीजी विद्यालय।
अब आपको अगर नहीं पता होगा आप इतने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कक्षा था, क्लास था, स्कूल था या डिजी विद्यालय था। तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होना लाजमी भी है कि सारे जो भी टर्म्स है एक जैसे ही लग रहे। जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ करना होता है तो वो ऑप्शन देता है कि इनमें से जूतों का ब्रांड कौन सा है या इसमें से रीबुक कौन सा है, तो स्पेलिंग रीबुक की ये लिख देगा, रीबुक की स्पेलिंग ये लिख देगा, रीबुक की स्पेलिंग ऐसे लिख देगा। इस पूरी केस में वो ऑप्शन को ही टफ कर सकता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीजी कक्षा। अगली चीज याद रखते हैं, हैंगपिन दादा मेमोरियल ट्रॉफी का छठा एडिशन किक ऑफ हुआ फ्रॉम 28 मई। अब ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। स्टेट लेवल ट्रॉफी है और ये एसोसिएटेड है किसके साथ? फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने नाम सुना, यस और नो बताएं। तो इसमें ये पूछ सकता है कि हाँ जी कौन सी ट्रॉफी है, किसके साथ एसोसिएटेड है। इवन तो मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर क्योंकि न्यूज थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो चीज एक्सपेक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी, तो इसका छठा एडिशन ने किक ऑफ किया। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है ये दिख रहा है मेंढक, आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाई पे सवाल पूछा गया था, बटरफ्लाई की एक नई स्पीशीज मिली थी। अभी अरुणाचल में से, अपने अरुणाचल में से, प्यारे अरुणाचल में से फ्रॉग मिला है एक, और एक पेड़ मिला है, ट्री मिला है। तो वो दोनों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि अगर ऐसा सवाल दोबारा पूछा जाए तो हम लोग रेडी रहे। ये दिख रहा है मेंढक आप लोगों के स्क्रीन में, यस और नो? दिख रहा है, बड़ा क्यूट सा दिख रहा है, चमकीला सा, आंखों का तारा, सुंदर सा। तो इसको बोला गया पटगाई पतकाई ग्रीन ट्री फॉग, इसका ये नाम है। अब साइंटिफिक नेम लेने जाएंगे तो जुबान टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन मैं लेने की कोशिश करता हूं। इसका नाम है ग्रेसी लेक्सस पतकाई एंसिस। ठीक है, ग्रेसी लेक्सस पतकाई एंसिस नाम है इसका, जो कि साइंटिफिक नाम है। और कहां से मिला? उसके नाम से क्लियर हो रहा है, पतकाई हिल रेंज से मिला है। किसने ढूंढ के निकाला? एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से। जी ये पूछते रहते हैं, कोई भी नई चीज मिले ना तो बटरफ्लाई पे पूछा हुआ है, कोई और नई मिल जाए तो उस पर पूछ लेंगे। अब ये मेंढक मिला है, पिछले महीने मिला है, तो इस पर पूछा जा सकता है। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ मिलके शेकेनबर्ग नेचुरल हिस्ट्री कलेक्शन, जर्मनी की इंस्टीट्यूट है, और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इनकी कमेटी ने मिलकर ढूंढा है। तो ये ऐसा बोला गया कि ये छठा नया फ्रॉग स्पीशीज है जो नामदफा टाइगर रिजर्व से मिला है, और ये स्वाम्पी एरिया में देखने को मिलता है, वो एरिया में जहां दलदल टाइप की चीजें होती है, स्वाम्पी एरिया में। इसके जो रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ फूफा मौसा कुछ तो होंगे, अंकल कजन दूर के रिश्तेदार, वो चाइना थाईलैंड और वियतनाम में देखने को मिलते हैं। क्या नाम है? ग्रेसिलेक्सस ग्रेसिपे। तो ग्रेसिलिप्स नाम है, ग्रेसिलेक्सस ग्रेसिलिप्स, जो कि इसके रिश्तेदार है। इसका नाम याद रखिएगा ग्रेसिलेक्सस पतकाई एंसिस, क्योंकि पतकाई एरिया से मिला है, और इसका वैसा नाम है ग्रीन ट्री फ्रॉग। क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, यस और नो बताइए। क्लियर है ये वाला पोर्शन? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आप जो 123 लोग देख रहे हैं, अगर किसी को भी डाउट है, देखिए बताया है ना, नामदफा टाइगर रिजर्व वाले इलाके से मिला है, छठी वैरायटी मिली है, हिल रेंजेस के ऊपर उसका नाम दे दिया गया है। अगर ये नाम पूछा तो पटकाई ग्रीन ट्री फ्रॉग तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं ग्रेसी लेक्सस पटकाई एंसिस।
या सीधे ये पूछ लेंगे कि एक नई वैरायटी ऑफ फ्रॉग मिली है, उसका नाम क्या है, इस तरीके से पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक नई वैरायटी ऑफ फ्रॉग मिली है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में दे देंगे पटकाई, ग्रीन ट्री फ्रॉग, पटकाई, ग्रीन स्वाम्प फ्रॉग, पटकाई ब्राउन ट्री फ्रॉग, इस तरीके से, या कुछ और, या साइंटिफिक नाम के ऊपर भी सवाल पूछ लेंगे कि ग्रेसी लेक्सस पटकाईएंसिस क्या है। बोल देंगे बटरफ्लाई है, बोल देंगे फ्रॉग है, बोल देंगे टाइगर है, बोल देंगे रेड पांडा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या। तो साइंटिफिक नाम लेके भी पूछ सकते। सवाल एग्जामिनर पे आप भरोसा रखिए, एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। जब एग्जामिनर खरगोश के दांत पूछ सकते हैं, आई गेस खरगोश के ही दांत पूछे थे, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और कैसे भी पूछ सकता है। जी हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग वीडियो। और बटरफ्लाई पे सवाल आया है और ये सवाल ऐसे बन सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ऐसे आप एपीएसएसबी छोड़िए, यूपीएससी में भी सवाल बनते हैं ऐसे। यूपीएससी में कितनी बार ऐसा सवाल बनता है, नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है क्या है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो पांचवे को बाद में पढ़ेंगे, पहले पेड़ को पढ़ते हैं, छठा नंबर। अब एक स्पीशीज ऑफ ट्री भी मिला जिसका नाम है मेगोनी अरुणाचलेंसिस। तो अरुणाचलेंसिस नाम से, मेगोनी अरुणाचलेंसिस नाम से एक पेड़ मिला है। और इसको पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल जर्नल जिसका नाम है एडिनबर्ग जर्नल ऑफ बॉटनी। ये थर्ड स्पीशीज है जो मिली है स्पीशीज की, और फर्स्ट फ्रॉम है जो हिमाचल या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से मिली है। अब आप एक चीज समझिए, ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। जब भी कोई चीज नई आती है उसको कैसे किया जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एबी जी ने एक बंदर ढूंढा है, नई वैरायटी का मंकी ढूंढा है। नहीं जी, फोटो नहीं मिला, फोटो वाले अभी एग्जाम में आएंगे भी नहीं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, फोटो वैसे भी नहीं दिखाते, ठीक है, फोटो वाले सवाल तो नहीं आएंगे। मान लीजिए कोई मंकी ढूंढा हो, इन्होंने क्लेम किया कि ये नया मंकी है, ये ऐसा मंकी है जो कि पानी में तैरेगा, मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कुछ, तो क्या सब लोग मान लेंगे? आंसर इज नो। ये एक पेपर पब्लिश करेंगी जो किसी जर्नल में पब्लिश होगा, एक जर्नल वो होता है, एक आर्टिकल वो होता है जो किसी ने रिव्यू कर दिया हो। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिव्यू कर देती है उसको कहते हैं पीयर रिव्यूड। जैसे ही कोई चीज पीयर रिव्यूड हो जाती है मतलब उसको दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एक जर्नल वो भी होते हैं जो प्री रिव्यूड होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे रात को सपना आता है, जिस सपने में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और वही अगले दिन वैसा ही बच्चों को पढ़ाता हूं, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई मैं थ्योरी दे दूं, पर दुनिया के सामने प्रूफ तो नहीं हुई है। मैं लिख सकता हूं आर्टिकल, कोई जर्नल चाहे तो मेरा आर्टिकल छाप भी दे, लेकिन वो प्री रिव्यूड है। पीयर रिव्यूड जब तक नहीं है तब तक जर्नल की नॉर्मली वैल्यू कम होती है, ठीक है जी। या मैं बोल दूं कि मेरे को सपने में सपना आता है कि मैं शक्तिमान हूं या स्पाइडरमैन हूं, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी मैं बोल सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए मेरे को आर्टिकल लिखवाना पड़ेगा, जर्नल छापना पड़ेगा, उसकी रिसर्च रिव्यूड होनी बहुत जरूरी, ठीक है। तो क्योंकि ये जर्नल में छप गया है, अभी इसका रिव्यू शायद नहीं हुआ, रिव्यू होगा बता दीजिएगा बाकी सारे लोग, खरगोश के दांत कितने होते हैं। बस ये जर्नल का नाम और पेड़ का नाम याद रखिएगा, क्लियर है इतना, यस और नो बताएं। सो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो दो ही चीजें हैं, एक पतकाई का नाम आ रहा है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेंढक का नाम है,
और एक में अरुणाचल नाम आ रहा है, पता होना चाहिए पेड़ का नाम है। लाइक करते रहिएगा, ये बहुत ज्यादा, इसके लिए काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी मैं, और जब आप लोगों के लिए रिसर्च करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और हमारे लिए मोटिवेशन यही है जो आप लोग लाइक करते हैं या आप लोग रिव्यू करते हैं। कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। आरजीयू यूनिवर्सिटी के बारे में सब लोगों ने सुना है, तो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। तो ये जर्मनी बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ठीक है, अब ये लोग स्टडी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे रोव बीटल को। बीटल्स जानते हैं आप लोग, बीटल के ऊपर स्टडी करेंगे मिलके। तो ये जॉइंट रिसर्च करेंगे, और कौन सी फैमिली, स्टैनी फैमिली के बीटल्स के ऊपर, कहां पे, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में स्टडी करेंगे। तो ये बीटल का नाम याद रखिएगा, रो बीटल, और यूनिवर्सिटी का नाम रखिएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब आप लोगों से एक सवाल और बन के आता है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये MOU क्या होता है, कोई बताएगा ये क्या होता है MOU। आप लोगों ने सुना होगा MOU साइन किया, ये MOU है क्या चीज। देखिए, मेमोरेंडम का मतलब है कि हम दोनों इच्छा रखते हैं, वी आर विलिंग टू कोलोबरेट। सो क्या कोई लीगल चीज हो सकती है कि मान लो कोई भी एक पार्टी पीछे चली जाए तो क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आंसर इज नो, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है जो इनिशियल स्टेज में साइन किया जाता है, कि जैसे मैं बोलूं कि मैं आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूं, तो एक फॉर्मल तरीके से पूरा बनाया जाएगा, उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब वो फाइनल सारी चीजें तय हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, वो अलग चीज होता है। नहीं, कंपनी जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। इसमें बस ये दिखता है कि हम विलिंग है इस चीज पे काम करने के लिए, पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। अगर मैंने MOU साइन किया है तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ, पर ये फॉर्मल एग्रीमेंट है। यस, फॉर्मल है, बाइंडिंग हो भी सकता है, बाइंडिंग नहीं भी हो सकता, ये याद रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि अंदर लिखवाया क्या गया है, नॉर्मली बाइंडिंग नहीं होते। हाँ जी, मिल जाएगा वीडियो, ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा, फेसबुक पे रहेगा, फेसबुक वाली वीडियो कहीं नहीं जाती, आप कभी भी लिंक खोल के देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, इसमें प्रॉपर लिखा होता है क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, इसको MOU बोला जाता है। ठीक है, लीगल एग्रीमेंट इसलिए नहीं है कि कोई लेन देन ऐसा नहीं है, दोनों साथ में मिलके काम करने वाले हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्मल प्रोसेस क्या रहेगा, उस पर ये साइन किए जाते हैं, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। अगर इस पर लिखा रहेगा कि ये लीगली बाइंडिंग है तो बाइंडिंग होगा, और नहीं लिखा रहेगा तो नहीं होगा, बस इतना याद रखिएगा, ये होता है MOU। अब अगली चीज पे मूव करते हैं। ये बाकी सारी वही पेड़ की डिटेल है, जो पेड़ हमारा मिला था उसी की डिटेल कुछ रह गई थी।
अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पेड़ के बारे में मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर कोई पॉइंट स्किप रह जाए हो जाएगा तो दोबारा बता देता हूँ। ये पेड़ मिला है जिसका नाम है मेजोनी अरुणाचलेंसिस। इसके बारे में जो रिपोर्ट छपी है वो छपी है इन एडिनबर्ग जर्नल ऑफ बॉटनी। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से इस स्पीशीज का पहला पेड़ है। इसका जीनस कौन सा है? म्यूजीन जीनस है, जो कि उसके नाम पे भी दिख रहा है म्यूजीन। और क्योंकि अरुणाचल से मिला है तो दूसरा नाम ये जोड़ दिया गया। साइंटिफिक नाम ज्यादातर ऐसे ही बनाए जाते हैं, जीनस होता है और दूसरा कहाँ से मिला है। जैसे आम को मैग्नीफेरा इंडिका बोला जाता है, इंडिका इंडिया वाला। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नाम आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये कहां से मिला है? ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। और नामदफा नेशनल पार्क से। ये यहां यहां से ये पेड़ मिल चुका है। और ये पूरी टीम जब स्टडी करने आई थी तो स्टडी करने आई थी आदि हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसमें कौन कौन है इन्वॉल्व? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हेमचंद्र महिंद्रा फाउंडेशन। ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं जो मिलके ये स्टडी कर रही है। अब कुछ और स्मॉल स्टोरीज पे बात कर लेते हैं, आगे मूव करें उससे पहले ये बता दीजिए कोई डाउट है। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो ये बेसिक से, ये तो फैक्ट वाली चीजें, ये फैक्ट वाली चीजें हैं। नहीं, वो दूसरा है, डेविल कॉच हॉर्स बीटल जो आप कह रहे हैं, एच हजी, वो दूसरी है, वो दूसरी वैरायटी है। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली यही है, एक ही परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, दोनों में फर्क है थोड़ा। बाकी इस पे मैं और चेक करके एक बार बता दूंगा कि अगर दोनों में कुछ सिमिलरिटी है भी या नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, छोटी छोटी न्यूज है जिनको हम लोगों ने पढ़ना है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहले रेड पांडा, बड़ा क्यूट क्यूट सा होता है रेड पांडा। तो रेड पांडा स्पॉट किया गया तवांग में, छोटी छोटी चीजें। अब रेड पांडा के ऊपर सवाल बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि रेड पांडा कौन सी लिस्ट में आता है? तो IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। उसके अलावा ये स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम है, क्योंकि ये स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम है इसलिए सिक्किम रेड पांडा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है हर साल। जितना भी रेड पांडा का हैबिटेट देखे दुनिया भर का, लगभग 50% ईस्टर्न हिमालय में ही देखने को मिलता है। इनके पास लॉन्ग और बुशी टेल होती है बैलेंस वैलेंस करने के लिए। और इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेप्टेम्बर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब रेड पांडा के ऊपर कैसा सवाल आ सकता है? सिंपल, मैंने बताया है, ये पूछ सकते हैं कि स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम क्या है, ये पूछ सकते हैं कि रेड पांडा का स्टेटस क्या है। स्टेटस यानी IUCN का स्टेटस क्या है? IUCN का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जानवरों को बचाती है। तो इतना क्लियर है, येस और नो बताएं। इतना क्लियर है, येस और नो? तो जो आप पीटल का बात कर रहे थे, हैज हजी, वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है और वो बड़ी फैमिली है जिसके ऊपर रिसर्च करना है। तो उसी का पार्ट है जो आप कह रहे थे, वो इन पार्ट करेक्ट है, उसी का सब पार्ट है। जैसे एक बड़ी फैमिली होती है साइंटिफिक नाम में ना, तो उस बड़ी फैमिली में से
एक पार्ट वो भी है जो आप हॉर्स बीटल कह रहे थे, वो भी उसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, मैं रिवाइज कर देता हूँ अगर किसी भी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ हो सकता है अपलोड किया होगा, बिल्कुल हाँ जी किया था। तो अभी तक हमने पढ़ा है लूमरदाई फेस्टिवल के बारे में, पहले हिंदी ऑथर को लूमरदाई फेस्टिवल मिला है जुमसी सिराम जी को। उसके अलावा दो नई चीजें मिली हैं, एक फ्रॉग मिला है जिसको पटकाई ग्रीन फ्रॉग बोला गया है, तीसरा पेड़ मिला है ट्री, उसके बारे में मैंने डिटेल दी है। चौथा, जो चौथे पॉइंट आप लोगों ने और इसके अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है डीजी कक्षा प्रोजेक्ट के बारे में, पांचवा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन जर्मन यूनिवर्सिटी एंड आरजीयू, छठा हमने जो टूर्नामेंट के बारे में बात किया था हैंगपेन दादा मेमोरियल किंग ऑफ जो ट्रॉफी है, ये छह टॉपिक हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। इतने टॉपिक में सब क्लियर है? त्यूम जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये छह टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए और एक मैंने पर्सनैलिटी डिस्कस की, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक डिस्कस की। जब भी चीजें समझ में ना आए ना तो इसी तरीके से एक लिस्ट बना लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि नया डाटा है प्रोसेस करने में टाइम लगता है। किसी भी बड़े से बड़े दुनिया के बहुत बड़े आईक्यू वाले आदमी को भी बैठा लेंगे, उसको भी प्रोसेस करने में नए डाटा को टाइम लगता है, आपको भी लग सकता है, दो बार तीन बार देखना पड़ता है, लेकिन इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी ना कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये आप लोगों के लिए पॉइंट्स हैं जो मैंने दोबारा नोट डाउन कर दिए। विपिन जी आपने डीजी कक्षा, कक्षा है वो के ए के एस एच, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है वो दोबारा देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, दो चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है पी आई एल, कितने लोगों ने ये टर्म सुना है पी आई एल, क्या होता है ये? तो पहले थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, पी आई एल आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका मतलब होता है पब्लिक नहीं, मैं यहीं पे हूं, स्क्रीन ब्लैंक नहीं हुआ है, मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, स्क्रीन मूव करती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और एक होता है आप लोगों ने सुना होगा एसएलपी, एसएलपी सुना है आप लोगों ने, क्या होता है? ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी सुना है ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? एसएलपी नहीं सुना, चलिए बता देता हूं दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा बहुत ये आपको ना पॉलिटिकल चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी न्यूज में रहती हैं। तो एसएलपी मतलब होता है स्पेशल लीव पेटिशन, एसएलपी क्या है? स्पेशल लीव पेटिशन, जो कि आर्टिकल 136 में मेंशन की गई है। दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। सो बात करते हैं सबसे पहले पीआईएल की।
पीआईएल का मतलब होता है कि मान लीजिए शुरुआत में, फॉर एग्जांपल मेरा कोई केस है और मेरा केस सिर्फ मैं ही लड़ सकता था, तो अगर मैं डायरेक्टली किसी चीज से अफेक्टेड नहीं था तो मैं केस नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल कोई जेल में बंद आदमी है, कोई जेल में बंद मुजरिम है, क्रिमिनल है, जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए लेकिन उसको जेल में डाल रखा है, सिर्फ पुलिस वाले ने शक के बिना पे जेल में डाल रखा और बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है और ना उसको पता है कि केस लड़ा जा सकता है, तो क्या किया जाता था कि जब तक ये क्रिमिनल खुद साइन वगैरह नहीं करेगा तब तक ये केस नहीं लड़ सकता, जब तक ये खुद केस ना लड़ना चाहे। तो कोर्ट ये कहते थे कि आपको अगर इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा तो आप क्यों केस लड़ रहे हैं। पर बाद में एक कॉन्सेप्ट आया कि नेचुरल जस्टिस का अधिकार सबको है। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि जो जेल में बैठा हुआ प्रिजनर्स के साथ गलत हो रहा है तो मैं उनके बिहाफ पे केस लड़ सकता हूं, उनके बिहाफ में एक पीआईएल डाल सकता हूं जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, पर मैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई लिटिगेशन दे रहा हूं, इसको कहते हैं पीआईएल। कभी भी आपने देखा होगा रिलीजियस मैटर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब पीआईएल दाखिल करती है। तो कोई भी इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड पीआईएल दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगे कि मॉस्क में कोई प्रोसीडिंग सही नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पीआईएल डाल सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में, या मैं कुछ और बोलूं कि हाँ जी जिससे सबका फायदा हो, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो इन सारी चीजों को बोलते हैं पीआईएल। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो चीज मेरे को इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में भी ये कर सकता हूं। क्लियर है पीआईएल? पीआईएल में एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा, सो मोटो। सो मोटो कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई आया ही नहीं कंप्लेन करने, लेकिन मुझको लगता है कि यह प्रॉब्लम बड़ी है, तो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि मैंने एक पीआईएल रजिस्टर की है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी होंगी उनको बोलेगा आओ और अपने ओपिनियन दो। कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन्वायरमेंट बहुत खराब हो गया और जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मैं सू मोटो आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रजिस्टर कर रहा हूं और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बुला रहा हूं सारियों को कि सब मिल के आओ और इन्वायरमेंट पे डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यस और नो बताएं। क्लियर है? यस और नो बताएं। बाय द वे किस आप में से कितने लोग आदि पुरुष देख आए हैं? ना जी, पी आई एल का एज सच स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। पी आई एल का जो आर्टिकल होता है वो आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल 32, जो सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते हो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के पास जाते हो अपने फंडामेंटल राइट के लिए, इन्हीं आर्टिकल के अंडर में ही आता है पी आई एल। पी आई एल कोई अलग नहीं है, एस एल पी 136 में दिया जाता है, आर्टिकल 136। ठीक है जी, पीआईएल का मतलब यह है कि लोगों को अगर जस्टिस का अधिकार है तो आर्टिकल 32 तो यह इंश्योर करता है ना, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में यह इंश्योर करता है कि सबके फंडामेंटल राइट्स बने रहे। एसएलपी का मतलब यह है कि कोई भी हाई कोर्ट में मान लो मामला चल रहा है, कोई भी इंडिया में कहीं पे भी मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है
कि ये जो मामला डिस्कस किया जा रहा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोई लॉ डिस्कस हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 136 यूज करके सीधे बोल सकता है कि वो प्रोसीडिंग मेरे सामने लेके आओ, या कोई इंडिविजुअल भी कह सकता है कि सीधे आर्टिकल 136 में मैं सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनना चाहता हूं क्योंकि इसमें लॉ का इंपॉर्टेंट मैटर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कानून लिखा है, वो तो लाइन है, वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, सेक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन उनका बहुत सारा मतलब निकल सकता है। तो जहां पे भी कोई डायलेमा हो किसी भी इशू पे, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि नहीं, ये मामला हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, सीधे मेरे सामने लेके आओ। या इंडिविजुअल भी कह सकता है सीधे कि ये मेरा मामला सुनो, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए। नॉर्मली आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। मान लीजिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए आर्टिकल 136 लगा के, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो ये इशू लेके आए इसमें लॉ का सवाल है भी या नहीं है। क्लियर है? इसको कहते हैं SLP। जब न्यूज देखिएगा तो ये टर्म सुनेंगे आप लोग, आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है? बताएं यस और नो। मान लीजिए आपको जेल में डाल दिया बिना पुलिस ने कुछ बोले, हाई कोर्ट आपको सुनवाई नहीं दे रहा है कुछ कंडीशंस पे, आप सीधे आर्टिकल 136 इस्तेमाल करिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा हाई कोर्ट को कि लॉ फुलफिल नहीं हो रहा है या कोई और इश्यू है, आपको एक राहत मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, SLP और PIL। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी की स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चार स्टेट्स को बोला कि आप पुलिस रिफॉर्म कैरी करो। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, पर मैं जी वही तो बताए, स्पेशल लीव पिटीशन SLP आर्टिकल 136 कि कोई भी ऐसा इशू जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस हो रहा है, वो सीधे अपने सामने सुनवाई ले सकता है। इंडिविजुअल भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना हाई कोर्ट जाए, उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसके लिए सही अथॉरिटी है जो इस मामले पे कोई फैसला सुना सके, तो जा सकता है सीधे। इसको SLP कहते हैं। हम स्पेशल लीव मांग रहे हैं सीधे। एक चीज बताइए, सुमोटो को मैं बता देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट इन्वॉल्व कब होता है? जब मैं कोई कंप्लेन लेके जाऊं कि मैंने बोला कि मेरा नसुंग जी ने पर्स चुरा लिया, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मेरा पर्स या मेरा वॉलेट चुरा लिया है, पहले एक चीज बता देता हूं मैं, उसके बाद SLP में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, और मैं केस लेके चला गया। एक कंडीशन तो ये, दूसरा मेरा पर्स चोरी हुआ है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने देख लिया। कोर्ट अपने आप बोलेगा कि एक केस रजिस्टर करो और इन दोनों पार्टीज को बुलाओ और इसका फैसला हम करेंगे। तो सो मोटो यानी सुप्रीम कोर्ट अपने दिमाग का इस्तेमाल लगा के भी किसी भी मामले में केस रजिस्टर कर सकता है। नॉर्मली आपको केस करना पड़ता है किसी पे, मैं कहूंगा कि आपको मैं देख लूंगा कोर्ट में और सनी देओल को अपना वकील बना लूं, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट को लगे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हो रखी है और कोई सरकार फैसला ले नहीं रही है इस पे, और ना ही कोई लोग केस कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे कि एक मामला रजिस्टर करो SLP में अपने डिपार्टमेंट को, सॉरी सुमोटो में रजिस्टर करो और बुलाओ सारी गवर्नमेंट्स को, इनकी थोड़ी खबर ली जाए
क्लियर है जी नसुंग जी, क्लियर है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप फैसला कर रहा है कि हाँ बुलाओ, अपने आप केस रजिस्टर कर रहा है, इसको कहते हैं सुमोटो। स्पेशल लीव पेटीशन का मतलब ये है, आर्टिकल 136 में सबको नहीं मिलता, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा इशू है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और जो मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट बहुत टाइम लगाएगा, मामला कोई अर्जेंसी का है, पर उसके साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट डायलेमा भी है कि इसका लॉ का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, तो मैंने आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करके एसएलपी लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि अच्छा ये मामला अर्जेंट है, यस। क्या ये मामले में कोई लॉ का सवाल है, यस। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप हाई कोर्ट वाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, मत जाइए, सीधे मेरे पास आइए। इसको एसएलपी कहते हैं। हाँ जी, हाई कोर्ट भी, कोई भी कोर्ट सू मोटो अपने हिसाब से कर सकता है। कोई भी जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको लगता है कि हाँ जी प्रॉब्लम है, तो अपने आप बुला सकते हैं। क्लियर है परमे जी, अब क्लियर है स्पेशल लीव पेटीशन। और अगर लिटिगेशन मेरे मुंह से एक आधी बार निकल गया होगा तो मैंने चार बार लीव भी बोला है, ये होता है एसएलपी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो जब न्यूज़ देखेंगे कोई केस चलता है तो आप देखेंगे कि पीआईएल चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, ये अलग अलग बेंच बैठती है, क्या काम होता है इनका, सबका अलग काम होता है, सबका पर्पस अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बैठती है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल डिस्कस करना हो, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है और इनर ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का, बहुत सारी चीजें हैं, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। जो नबार्ड है उसने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। काबू विलेज पे फॉर प्रमोटिंग इको कल्चरल टूरिज्म, तो जो इको कल्चरल टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए नबार्ड ने एक विलेज चूज किया है जिसका नाम है काबू विलेज। इतना क्लियर है। सो इको कल्चरल मतलब जहां इकोलॉजिकल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन करके टूरिज्म बढ़ाया जाए तो उसको कहते हैं इको कल्चरल टूरिज्म। नबार्ड ने कौन सा विलेज चुना है, काबू विलेज चुना है। इतना क्लियर है, यस और नो? क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिएगा सब लोग। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ये जो सवाल है कादुम जी का, इस तरीके से नहीं होता ओलिंग जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं 3579 जो आप कह रहे हैं वो पार्शियली करेक्ट है। पूरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट चल रही है तो पहली बार बुलाए जाएंगे तीन जज की बेंच। तीन जज की बेंच ने कोई फैसला सुनाया, उस बेंच के फैसले को कुछ टाइम बाद अगर चैलेंज किया गया तो अब तीन बेंच से ज्यादा जज ही तो बैठेंगे, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ जी। तो अगली बार पांच बैठेंगे, अगली बार सात बैठेंगे। आज तक सबसे ज्यादा जो जज बैठे हैं वो बैठे हैं केशवानंद भारती केस में 13 जज, 13 जज। तो जब एक ही सवाल पे बार बार डिस्कस होता रहता है, अलग अलग डाउट वगैरह निकल के आते रहते हैं, अलग अलग केस चलते रहते हैं, तो पिछली बार से ज्यादा जज की बेंच बैठेगी तभी आप उस फैसले को ओवरटर्न कर सकते हैं। क्लियर है? तो 13 भी बैठे हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम केशवानंद भारती केस में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि उससे पहले गोलकनाथ केस और बहुत सारे फंडामेंटल राइट के केस हो चुके थे, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदलना चाहती थी, तभी तो ये केशवानंद भारती वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें केशवानंद भारती हार गए थे, ये याद रखिएगा।
चलिए टाइम हो गया है, हमारे सेशन को रैप अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने होते हैं। मैं अपने लेवल पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें ला सकूँ, बेस्ट तरीके से समझा सकूँ। काबू विलेज का नाम भी याद रखिएगा। सो एक क्लास को क्विक रिकैप दे देते हैं, इसके अलावा क्या क्या डिस्कस किया मैंने। मैंने इसके अलावा और जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो है SLP, PIL डिस्कस किया। काबू विलेज को नाबार्ड ने चूज किया है फॉर इको कल्चरल टूरिज्म। तो ये पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप लोगों को याद रखना। 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक रेड पांडा भी डिस्कस किया है और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिस्कस की है। तो टोटल 10 पॉइंट डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन पे। हर वीक में ये एक ही सेशन होता है, जरूरत लगेगी तो नंबर बढ़ा देंगे। टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के रिव्यू पे। थैंक यू एवरीवन, अगले वीक मिलते हैं। गुड नाइट, पढ़ते रहिए और परेशान मत होइए। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।